ऑलराइट सर, हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है भाई साहब। हमारा ना फटाफट से डंकी देखने का प्रोग्राम बन गया। डंकी जो है वो हमारे पास वाले हॉल में लगी हुई है, वो थोड़े से दूर वाले हॉल में लगी है, तो बाहर जाना पड़ेगा। पहले से प्लान नहीं था जाने का, एकदम से बना और मैं तो लेकर लेट ही उठ रहा हूँ क्योंकि मेरी छुट्टियां चल रही है। तो फटाफट से मैं बस अपने लिए कॉफी बना रहा हूँ, उसके बाद निकल रहा हूँ क्योंकि खाने का मेरे पास टाइम नहीं है। और डंकी देखनी तो इंपॉर्टेंट है, देखो मूवी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैं कुछ बना तो सकता ही हूँ, देखो बनाने के बाद तो मैं जल्दी बना लूंगा, लेकिन उसके बाद बना के खाना भी पड़ेगा जिसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। और इतना टाइम तो देखो नहीं है, फटाफट से कॉफी पी के निकलते हैं। वो अलग बात है कि बाहर जो है वो बारिश आ रही है हल्की हल्की सी, और पास वाले हॉल में तो जाना नहीं है तो जरा बस में जाना पड़ेगा। फिर वहां से एक बाट लेनी पड़ेगी जिनका ट्रेन सिस्टम है, फिर वहां से पैदल चलना पड़ेगा 10 मिनट तो पहुंचेंगे इनके थोड़े से दूर वाले हॉल में जहाँ पे टंकी लगी है, और वहां देखेंगे टंकी। भाई साहब मजा आ जाएगा आज के दिन, तो टंकी देखने को मिलेगी। लाल फटाफट से कॉफी पी के एकदम जग जाता हूँ भाई साहब, मैं तैयार हो जाता हूँ मूवी देखने के लिए। बारिश आ रही है भाई साहब, बारिश आ रही है। चलो मेरी पहली बस तो आ चुकी है, अब मैं इस बस से उतर चुका हूँ। अरे मुझे जाना है ये वाले स्टेशन पे, यार यही होगा स्टेशन तो। ओम भी बना है यहाँ पे, आई गेस सही जा रहा हूँ मैं तो, यहीं से जाना है मुझे बार्ट एंट्रेंस से। पर अभी रमनीक आ रहा है, रमनीक का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे हम साथ में। तब तक के लिए भैया का गाना सुनता हूँ। भैया गाना गा रहे हैं, पता नहीं क्यों गा रहे हैं। देखो इधर मेट्रो है, इधर बार्ट है, और ये बीचों बीच गाना गा रहा है, डांस भी कर रहा है। वाह क्या बात है भाई, स्टेशन से रास्ता सीधा ये सैन फ्रांसिस्को सेंटर में आता है। ये तो कोई छुटमुट सा मॉल बना हुआ है। लेट हो गए हम, रमनीक आया नहीं अभी तक, पर कोई बात नहीं, अब जब तक नहीं आ रहा तब तक मैं मिनी सो ही घूम आता हूँ। मैं क्या करूँ यहाँ पे खड़ा खड़ा। ये मिनी सो तो एकदम ही बच्चों वाला है, ऐसा मिनी सो तो मैंने कभी नहीं देखा। गलत मिनी सो आ गया भाई, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है। ये येलो वाली ये दिखा रहा था ना पहले, इसी में बैठ जाते हैं। तेज चलाओ ना भैया, सामने कोई है ही नहीं, इतने हल्के हल्के चला रहे हैं। भैया भैया चिल कर रहे हैं वो तो भाई। हाँ तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा चलाने में। इधर इधर स्पीड भी देख सकते बताओ, खाली पड़ा है पूरा ट्रैक। अब हमें 10 मिनट की वॉक करनी है बारिश के अंदर। सही है, अपना माहौल बना रहता है। वैसे भी मौसम तो काफी बढ़िया लग रहा है, यहाँ के लोगों को ऐसा मौसम पसंद नहीं है, पर मुझे तो सही लगता है बारिश का मौसम। तुझे कैसा लगता है बारिश का मौसम? बकवास। देखा चाय और समोसे तो अच्छा लगता है, तो वो ले लेंगे ना कहीं से, चाय समोसे और बंदी। चलो चाय भी गर्मी मिल जाए, चाय समोसे तो मिल ही जाएंगे, वो तो ले ही लेते हैं, बाकी देखते हैं। वैसे नहीं मिलेंगे यहाँ, कहाँ ही मिलेंगे, पर मुझे तो सही लगता है। लेकिन दिसंबर में बारिश के मौसम की कोई मुझे वाइब इंडिया वाली बारिश में ना बड़ी चिप 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 होती है। अच्छा नहीं, एसी में बैठता हूँ ना मैं तो गाड़ी में, तो सही रहता है तो फिर कोई चिप चिप नहीं होती। हमने तो गाड़ी देखी नहीं है कभी हमारे यहाँ तो भाई, तो तू मेट्रो में घूम लिया अगर, उसमें भी नहीं भाई, हम हेल्थ कॉन्शियस भी है। चलो सही, अब रुक जा, इधर जाना होगा शायद। 2:30 बजे की मूवी के लिए 2:17 हो चुके हैं, अभी भी पैदल चल रहे हैं हम बारिश में एकदम। इसको कहते हैं देखो जुनून होना चाहिए आदमी को पिक्चर देखने का, जैसे मुझे है, इसे भी है। इसे तो मैं ले आया, ये कह रहे थे नहीं बारिश हो रही है जब रुक जाएगी तब जाए, मैं कहा नहीं जुनून से चलेंगे। मुझे तो बारिश बढ़िया ही लगती है, कितना मजा आ रहा है देखो, अपना आराम से जा रहे हैं। मेरे चश्मे गीले हो गए हैं। हाँ चश्मे वालों के साथ होती है दिक्कत, वो भी सही है। रमनीक अलग जोन में रहता है जरा, जोन बना के रखना चाहिए ना। मैं नहीं सही है, कभी भी मन कर सकता है दारू पीने का। अब ये गाना गाते ही मेरा दारू पीने का मन कर दिया है। अब घर जाऊंगा, एक बोतल खोलूंगा, बढ़िया सा पैक बनाऊंगा, बर्फ डालूंगा। वाह वाह वाह, मैं ये सब नहीं करता, मुझे नहीं अंदाजा। चुप रहे भाई, कल तो तूने अद्धा पिया है पूरा। क्या पिया मुझे पता भी नहीं है। अद्धा पिया है भाई इसने, मतलब रॉयल स्टैग ढूंढ ली बंदे ने यहाँ पे, मतलब तब ढूंढ रहे थे इसने, पता नहीं किसी होमलेस से जाके मांगी, उसने रॉयल स्टैग का अड्डा दे दिया भाई से। अच्छा एक पैक तो उसके साथ लगा के आया, चीयर्स करके आया उसके साथ है। तो भाई मैं ऐसा करके आया हूँ, इधर जा रहा है, हमें इधर जाना है भाई। जिसे लगता है अमेरिका पूरा साफ सुथरा है, ऐसा नहीं होता। लॉर्ड बॉबी, ओ सेंचुरी लिखा है ग्रीन से, सेंचुरी तो भाई केएल राहुल ने भी मारी है। हां बहुत बढ़िया, मुझे मजा आ गया सेंचुरी देख के। 11 रन से खेल कर लिया, बॉलिंग हमारी खेलने नहीं आया है। अरे वो तो खेलता ही नहीं है ना बेचारा, मतलब उसको आता ही नहीं है, पर वो रन नहीं बना पा रहा ना आजकल। ये ट्यूशन टीचर होंगी जो सब बच्चों को घुमाने लेके गई है, प्यारे प्यारे बच्चे या एनिमल देख के आए होंगे ये। तूने वो सुने अर्जुन वेली और पंगा? हाँ वो बढ़िया लगा मुझे। सही है, यहाँ पे तो दीदी दे रही है टिकट।
चलो सही है। आज रमनीक की तरफ से मूवी देखने को मिल रही है हमें, एकदम टाइम पे पहुंच चुके हैं। देखो हमारी टिकट हमारे हाथों में, 2:25 हो रहे हैं अभी। सही है थैंक यू। ठीक है एक आदमी आ सकता है इसमें एक बार में, बस सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बना दी। E8 और E9 पे 68 लोग आ सकते थे, तो 20 कह रहा था। अरे इतनी सी स्क्रीन है इसकी, तो इसकी स्क्रीन तो छोटी लग रही है यार मुझे। यार इसका रेक्लाइनर तो बहुत ही कंफर्टेबल है। एकदम लेट चुके हैं हम, तो बस अब पिक्चर एंजॉय करेंगे। वो तो देखो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, खुद ही देखनी पड़ेगी अपने नियरेस्ट सिनेमा घरों में। हमारी मूवी खत्म हो गई है, रमनीक की तो फेवरेट मूवी बन चुकी है अब ये। मैं लगा रहा हूँ क्यों राइट डुनकी नहीं, सही लगी वैसे, अच्छी थी, सही थी। एक्चुअल रिव्यू है 30, इतनी खराब भी ऐसी भी नहीं थी, सही थी। बहुत फनी भी नहीं थी, राजकुमार हिरानी के हिसाब से इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन मतलब सही थी, देख लो जाके। बहुत ही धाकड़ बर्गर खाने आ गए हम, मेल्ट करके एक जगह पे मस्त बर्गर मिलते हैं यहाँ पे। ये वाला ले लेता हूँ फिर मैं, एक ये भी ले लेते हैं ना, आधे आधे खा लेंगे और क्या। ठीक है एक ये भी ले लेते हैं फिर और क्या। 33 लेग 2 हाँ अब ये हो गया शायद हमारा। कोका कोला तो होगी, ये तो सब अलग कंपनी की है। चलो देखते हैं। भाई सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, 6 बज गए हैं। मस्त बर्गर होता है भाई, यहाँ मजा आ जाएगा मुझे। पिछली बार मैंने खाया था इम्पॉसिबल मीट वाला, तो उसमें बीफ पैटी की रेप्लिकेट करके वेज पैटी बना के देते हैं। इस बार मैंने लिया चिकन वाला, क्योंकि पिछली बार ट्यूसडे था, इस बार चिकन वाला ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने चिकन वाला बर्गर ट्राई करूंगा। अनलिमिटेड सबसे बढ़िया चीज है यहाँ की। सबसे पहले हमें मिला खीरा, को पिकल कहते हैं यहाँ पे, खट्टा खीरा होता है। ये विनेगर वगैरह में रखते हैं क्या। और आ गया भाई साहब यहाँ पे बर्गर एकदम शानदार मेरा। और ये फ्राइज, वाह 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 क्या फ्राइज है। हाँ बढ़िया है एकदम, जैसे नाम है दुकान का बिल्कुल वैसा ही है। मेल्टिंग बहुत मेल्टिंग है एकदम, अलग ही से स्मूथ। इसकी पाव भी बढ़िया है ना, वाह 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 वाह।